मुसलमान तो झोली भर भर कर उठ डाला ना सबको। अगले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ दिन पहले मनोज दरंगे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव वो लड़ने वाले हैं, तो MIM इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोचते हैं मनोज दरंगे जी के इस पर्याय के बारे में? नहीं देखिए, MIM को भले ही आप एक अलग नजरिए से देखते हैं लेकिन हम ऐसा कास्ट बेसिस के ऊपर कि ये जाति के लोगों के साथ में मिलकर हम इलेक्शन लड़े, हमारे पास आज के दिन है तो अलग अलग जाति धर्म और मजहब के लोग जो है वो MIM के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो एक पार्टी के अंदर है वो रात होए होए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह होए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चलना है तो। ये सवाल का जवाब का जो सवाल था ऐसा है ना कि मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा MPs कामयाब हुए मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान MP नहीं है। महाराष्ट्र में OBC समाज के MPs जीत कर आए मगर एक भी मुसलमान MP नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का MP जीतकर जाता है महाराष्ट्र से और एक समाज का कोई MP नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, गुस्सा है और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है, हमारा एक MP था मुस्लिम समाज का उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड OBC अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है और सिर्फ 4% MP जीत कर आ रहे, तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको, हम सब जब डाल रहे वोट तो हमको क्यों नहीं वोट डालते? तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर से और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो ATM नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डालते जाए वोट। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है। जाएंगे या नहीं जाएंगे, सोच क्या है, क्या इधर अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है या आपकी तरफ से, अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूं मैं। मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा MP को उन्होंने कामयाब कर दिया। बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई, तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए।
और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफ देह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है बराबर बात करेंगे, वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं करें।